ಪ್ರತಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. साथियों, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी आईएसएस और सनातन धर्म संस्था इन सभी के बेशुमार नापाक इरादों और सभी को लड़ने वाले संघर्ष करने वाले सभी की जुबा को खामोश करने की कोशिश करने के सारे उनके प्रयासों के बावजूद आप सभी जो आईएम गौरी बनकर हजारों की तादाद में यहां उमड़ पड़े, आप सभी को मैं क्रांतिकारी जेबी को लाल सलाम पेश करता हूं. साथियों, करीब करीब सारे मुद्दे पर बात हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे अहम बात आज साथी प्रशांत भूषण ने कही, उस पर गौर फरमाते हुए आज का हमारा ये कार्यक्रम, आज का ये रेजिस्टेंस का ये डेमोन्स्ट्रेशन, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है कि स्पिरिट के साथ यहां से शुरू हो और दिल्ली में नरेंद्र मोदी की छाती के चट पर हम लोग जाए, उसकी छाती के चट पर बैठे और वहां जाकर पूछे कैसा कौन सा विकास का ग्लोरियस मॉडल आपने प्रोड्यूस किया है. इस देश के हजारों पत्रकार एक्टिविस्टों की जवाब के आज ये शब्द है कि आफ्टर गौरी हू नेक्स्ट. ये सवाल हम लोग केवल बेंगलुरु में नहीं पूछेंगे, हम लोगों को एक डेट तय करनी चाहिए, मेरा प्रस्ताव है, और दिल्ली में इससे चार गुना ताकत में हम लोग जाए. आप सभी साथी भी अपने ट्रेन का टिकट बुक करवाए, साथ में मिलकर एक डेट तय हो और जबरदस्त एक कॉल दिया जाए, एक नेशनल कॉल दिया जाए, पूरे भारतवर्ष में से जितने भी लोग आंदोलनकारी हैं संघर्ष के मैदान में, इन सभी को दिल्ली बुलाया जाए और मोदी की छाती के चट पर कहे कि ये तुम्हारा विकास का मॉडल और हिंदुत्व का एजेंडा दोनों भारत में जाए. साथियों, मेरा ये भी प्रस्ताव है कि नसीब की माता जी डीमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई करने के लिए नरेंद्र मोदी लंबी लंबी कतार में उनके माता जी को खड़ा रखते थे, इतना बेशर्म आदमी है. मुझे लगता है कि नसीब की माता जी, रोहित वेमुला की माता जी, राधिका वेमुला और गौरी की मां, इन तीनों माताओं के साथ यदि पूरे देश में से सारे फेमिनिस्ट ग्रुप्स बहनों को बड़ी बड़ी संख्या में लेकर एक बार गांधीनगर नरेंद्र मोदी की मां को भी मिले और उनको कहे कि आप अपने इस नालायक पुत्र को कुछ समझाइए, उसकी राजनीति, उसके फांसीवादी रवैये के चलते आज पूरा भारतवर्ष उस चिंता में है कि कहीं हम लोग विनाश की गर्दन में तो नहीं डूब जाएंगे. साथियों, इंडिपेंडेंट इंडिया में इस देश की जनता ने इमरजेंसी भी देखा, लेकिन शायद हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं, इतना खतरा तो किसी को महसूस नहीं हो रहा था. आज मैं पब्लिकली कह रहा हूं, क्या इस मंच के ऊपर जो भी साथी वक्ता के तौर पे थे या अभी भी मौजूद है, या आप में से कुछ पत्रकार साथी जो इसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, या आप में से बैठे कुछ इंटेलेक्चुअल्स स्कॉलर्स, इनमें से कोई कल को जिंदा रहेगा कि नहीं, ये खतरा आज हमारे देश के ऊपर मंडरा रहा है. ये है उनका विकास का मॉडल, ये है उनकी शासन पद्धति. साथियों, तीसरा एक मेरा प्रस्ताव है कि 2 अक्टूबर को जैसा साथी सिद्धार्थ ने कहा, जगह जगह पर जहां पर भी बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी के स्टेचू से वहां जाकर हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए और वहां जाकर ये सवाल खड़ा करना चाहिए कि ये किस प्रकार की हिंदू संस्कृति है, ये हिंदुत्व कैसे कैसे संस्कार है नरेंद्र मोदी के, उनकी कैडर्स के, संघ परिवार के, आरएसएस के, बीएसपी के, इन फांसीवादी तत्वों के, कि न केवल गौरी लंकेश को गाली देते हैं
लेकिन जो महिला पत्रकार इस मुद्दे को उठा रही है, जो महिला पत्रकार गौरी लंकेश के मामले में इंटरव्यू कर रही है, कुछ लिख रही है, उनको वेश्य और प्रोस्टिट्यूट कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी हमको ये कहने का मन कर रहा है, आने वाले दिनों में हमारी आगामी पीढ़ियां, आने वाली नस्लें ऐसा कहेंगी कि मोदी जी वी आर अशेम्ड ऑफ यू। पूरे भारतवर्ष को, इस देश के लोकतंत्र को इस आदमी ने शर्मिंदा किया है। हिंदू युवा वाहिनी के मंच पर से योगी आदित्यनाथ की प्रेजेंस में एक संगी ऐसा कहता है कि जो मुस्लिम बहनों को दफनाया गया है उनके डेड बॉडीज बाहर निकालकर उसके ऊपर बलात्कार करना चाहिए। मेरा कहना है कि मानव सभ्यता के इतिहास में दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से इतनी नीच गलीज और गंदी बात कभी नहीं की गई। ये लोग डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ये लोग नया भारत बनाएंगे, और हम लोगों को इनसे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है गुजरात में 2002 के दंगों के वक्त जब मुस्लिम बहने रिलीज कैंप्स में थी, तो उनके प्रति सिंपथी के दो शब्द कहने के बजाय कुछ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के बजाय उन्होंने ऐसा निवेदन दिया था कि ये तो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री है। ये है मोदी जी का असली चरित्र। 56 इंच का चौड़ा सीना लेकर 20 फुट लंबी जुबान लेकर पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन कायराना हरकत उनकी कैडर करती है। 55 साल की महिला को 7 राउंड फायर करके बुलेट से आपने मार डाला, ये कायरता है। कहां गए आपका 56 इंच का सीना? आपकी कैडर को ये सिखा रहे हो आप? और इतना बेशरम आदमी है, इतना फल लेना आदमी है, इतना ऑब्नॉक्सियस फिल्मी और पथेटिक आदमी है ये आदमी, कि मुझे लगता है कि हम लोगों को हमारी मुस्लिम का नाम लेना भी बंद कर देना चाहिए, उसके लिए कोई नया नाम इजाद करना चाहिए। इतना बेशर्मी आदमी है। उस लोगों को ये आदमी फॉलो कर रहा है जिन पत्रकार बहनों को मारने की गालियां दे रही है, जो गौरी के बारे में बिल्कुल ही अभद्र टिप्पणियां करे, उसको इस देश का प्रधानमंत्री फॉलो करेगा ट्विटर में? मोदी जी जरा शर्म करो, शर्म नहीं तो कहीं जाकर डूब मरो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि गौरी के साथ मेरा कोई लगाव था, वो मुझे अपना बेटा मानती थी तो लगाव तो था, लेकिन एक सिटीजन के तौर पे कह रहा हूं, गौरी की हत्या इसलिए की गई कि वो ये पूछ रही थी कि विराट किलर्स ऑफ कलबुर्गी, संघ परिवार की फांसीवादी विचारधारा ने उसको मारा, सही बात है, लेकिन उसकी हत्या हुई है कर्नाटका की धरती में, तो कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा कि वेयर द हेल आर द किलर्स ऑफ कलबुर्गी एंड गौरी लंकेश। यहाँ की सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। मैं कर्नाटका की कांग्रेस को लेकर भी एक सवाल उपस्थित करना चाहता हूँ। हम लोग जानते हैं कि संघ परिवार और बीजेपी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में घुसने के लिए बहुत ही डेस्परेट है। इन स्टेट में किसी भी कोने में उनका ज्यादा वजूद या बेस नहीं है। बेंगलोर के बगल में उड़ुपी और बेंगलोर में उनका बेस है, इसीलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और इसीलिए यहां पर कलबुर्गी की हत्या की जा रही है, इसीलिए गौरी लंकेश को मारा जा रहा है। लेकिन ये संघी, ये जितने भी कॉन्स्पिरेसीज यहां पर बैठकर कर रहे हैं, बहुत स्वाभाविक है कि स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास उसके सब्सटेंशियल इनपुट भी जनरेट हुआ होगा। तो इसके बेसिस पे यहां की कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार ने कौन सा क्रैकडाउन कौन से कोने में किया? यदि कलबुर्गी के कातिल पकड़े जाते तो आज गौरी लंकेश हमारे बीच में जिंदा होती। तो मैं कर्नाटका की सरकार को भी कहना चाहता हूं कि संघ और बीजेपी के सामने हम लोगों ने जमकर मोर्चा खोला है, उसका हरगिज मतलब यह नहीं कि आपको सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले करने देंगे, ये भी जमकर कहना पड़ेगा। और साथियों, वक्त नहीं है तो ज्यादा बात ना करते हुए, गौरी को पर्सनली मेरे लिए जो लगाव था, मुझे अपना बेटा बोलती थी, तो उस गौरी अम्मा को इस पब्लिक प्लेटफॉर्म से एक कमिटमेंट दे रहा हूं, टिल
I breathe my last. Every atom and particle of my existence will work to ensure that instead of Hindu Rashtra, this country becomes a progressive, secular, socialist democracy. Hell with the idea of Hindu Rashtra, hell with Modi and Sangh Parivar's Hindutva, aur hum log sare log milkar is baat ko puri gambhirta se le ki aaj ka ye demonstration bahut hi acha hua, tagda hua, hazaron ki tadad mein urja aur spirit ke saath hum log bole jama hue, lekin सचमुच भी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, उस स्पिरिट के साथ दिल्ली जाएंगे और वहां मोदी की छाती पर चढ़कर कहेंगे अगेन कि गौरी लंकेश के किलर्स को पकड़ो वरना तुम इस देश को खाली करो, ये हम लोगों को कहना पड़ेगा। तो सारे साथी दोबारा आप सभी को आई एम रिक्वेस्टिंग विथ फोल्डेड हैंड्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि एक दिन के लिए जब भी दिल्ली की कोई डेट तय हो तो जरूर आना। ये मामला हमारी गौरी का है। जय भीम, अपनी क्लब जिंदाबाद।